चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। ओके। तारा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से यह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों ना करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, यह बहुत अच्छा है। ओह छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं एक गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा। सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गाँव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है, और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सूची बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले, और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ, और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। तड़ाम, देखो कितना सुंदर है। What? यह क्या है?
मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओ वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे दांत में खुजली हो रही है। अच्छी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। Let's go! अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब यह बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है, आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैपचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी।
मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार, बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। कितने सारे गमी आंखें। तुम्हारे पास इतने सारे हैं और मेरे पास केवल एक गमी आंख है। ये सही नहीं है और ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये जरूर केवल एक ही आंख है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मिला परेशान लग रही है। मुझे लगता है कि वो मेरी शरारत से खुश होगी। मुझे आशा है कि वो उसे बहुत क्रूर नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मजेदार होगा। मिला, देखो मैंने क्या किया है। आह, इतना दर्द हो रहा है मेरी आंख पर। अब वह नहीं रही। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इसे मेरे सामने से हटाओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरा दम घुट जाएगा। मिला, जूली को तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है। वो सांस नहीं ले पा रही है। कितना स्वादिष्ट, कितना स्वादिष्ट है ये। लेकिन ये आग कहाँ से आई? कितना घिनौना। इतनी शरारतों के बाद एक स्वादिष्ट गमी आग। ये ठीक वही है जो मुझे चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी जल्द से जल्द अपनी कैंडी खाना चाहती हूँ। मेरी आंखों को देखो। एलेक्स, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंख खाने जा रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं भी अपने सारे ट्रिक्स को खुद संभाल सकता हूँ। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगे, प्लीज। और मेरे साथ भी, हम दोस्त हैं। दोस्त, कोई उम्मीद मत रखो। मैं वैसे भी तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है? मुझे सब ज्यादा दिख रहा है। आंखों वाला एलेक्स। हर किसी के पास इतने सारे ट्रीट्स क्यों हैं और मेरे पास केवल एक क्विक्स चॉकलेट बार है। आशा करती हूँ कम से कम स्वादिष्ट हो। मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ जो मुझ पर कचरा फेंक रही हो। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है कि चॉकलेट बार को कई स्वादिष्ट भागों में कैसे बांटा जाए। इसमें एक आरी मेरी मदद करेगी। आशा है कि एलेक्स फिर से नहीं रोएगा। ये लो ट्रिक्स। प्लीज, हमें आरी से मत काटो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। ये आरी चॉकलेट बार के लिए है। क्या स्वादिष्ट चीज है। मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट ट्रिक्स। अब चॉकलेट खाने की मेरी बारी है।
लेकिन पहले मुझे रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है। आप खाना शुरू कर सकते हैं। स्वादिष्ट, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, लेकिन किसी चीज की कमी है। क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छी तरह से जाती है? दूध के साथ। मेरे चेहरे पर सब कुछ क्यों उड़ रहा है? मैं सोच भी नहीं सकती कि कॉम्बिनेशन कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट मिल्क ट्विक्स, एक असली चॉकलेटी जन्नत। मैं नहीं चाहती कि चॉकलेट कभी खत्म हो। तुम क्या देख रहे हो? एलेक्स, तुम भी खाना शुरू कर सकते हो। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ चॉकलेट बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन उबाऊ है। उनमें से एक विशाल टावर बनाने बहुत ही अच्छा होगा, और उसे फिक्स करने के लिए न्यूटेला एकदम सही रहेगा। अरे वाह एलेक्स, हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा टावर बना सकते हो। क्यों नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टावर कुछ रिकॉर्ड बनाएगा। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि हर कोई उसके बारे में जाने। लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है, हम इसे सिर्फ खाएंगे। तुम क्या कर रही हो? चावल क्यों हिल रहा है? तुम इसे बर्बाद कर दोगी। एलेक्स माफ करना, पर क्या करती, चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट थे। कोई बात नहीं, हेलमेट ने मुझे बचा लिया। हालांकि टावर की स्थिति बुरी है। वाह, यहाँ चिप्स का पूरा पहाड़ है और सब मेरा है। तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मेरे पास बस एक छोटा सा चिप। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही। इसे सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है। सैंपल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज मिली है, पर अभी इसकी ठीक से जांच करनी होगी। बहुत स्वादिष्ट, पर बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार मुझे बहुत भूख भी लग रही है। ऐसे चिप्स को ऐसे कौन बंद करता है कि कोई उसे खोल भी ना पाए? इसे बिना किसी चीज की मदद के नहीं कर सकते। अब यह हुई ना बात। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगा, और तुम सीखना कि चिप्स कैसे खाया जाता है। स्वादिष्ट। चिप्स सही में अच्छा है। इस स्वादिष्ट खाने को अब मेरी बारी है। यम यम। सावधान, चोट लग रही है। माफ करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। बस करो। और मेरा हेलमेट मुझे बचाएगा। मुझे चोट महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। यह ट्रक इसमें हमारी सहायता करेगा। स्वादिष्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। ओ नहीं, ब्रोकली नहीं। मुझे कैसा अजीब बीज मिला है, और इसका स्वाद भी बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है। अगर मैं एक बीज रोपूं और उसकी देखभाल करूं, तो वह निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट चीज में बदल जाएगी। पौधे तुम लगा रही हो और भुगत हम रहे हैं। रोना बंद करो। इसके बढ़ने के लिए मुझे कब तक इंतजार करना होगा? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे पास निश्चित रूप से अपनी ब्रोकली से निपटने का समय है। इसे देखते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लग रहा है कि मैं कोई सड़ी हुई चीज खा रहा हूँ। इसकी महक भी अच्छी नहीं है। मुझे तुरंत अपना मुंह साफ करने के लिए कुछ चाहिए। रुको, मुझे बस बीज में डालने के लिए पानी चाहिए।
एलेक्स तुम बस समय पर हो। दोस्तों कुछ हो रहा है, ये कांप रहा है। मुझे आशा है कि सुरक्षित है। जूली ने खुद ब्रोकली उगाई और फसल भी वैसे ही है, अब तुम्हें इसे खाना होगा। मैंने अपने सर पर मुसीबत ले लिया। तो कैसा है ये, स्वादिष्ट है ना? नहीं ये बहुत खराब है, एकदम बेकार। और हंसना बंद करो बेला, अब तुम्हारी बारी है। नहीं मैं ब्रोकली का एक पूरा गुच्छा नहीं खाना चाहती, शायद इससे छुटकारा पा सकते हैं। हे देखो वहाँ मिकी माउस है। कहाँ? तुम कितने भोले हो। अब मेरे पास सभी ब्रोकली से छुटकारा पाने के लिए समय है। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो? पर ऐसा नहीं है, खास तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सारी ब्रोकली को पकड़ लूंगा। मैंने सब खा लिया। अच्छा और यह रहा जो तुम सबने फेंका था। और मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, दोस्त एक दूसरे को धोखा नहीं देते। तो बोन एपिटी। जरा सोचो उसने क्या कहा होगा। अरे देखो उसने लॉकर बंद नहीं किया। चलो देखते हैं वहाँ क्या है। कुछ तिजोरी की तरह लग रहा है, मुझे लगता है अंदर कुछ महंगा होगा। चलो देखते हैं। नहीं रुको, हम कहाँ हैं? मुझे लगता है कि यह चुनौती है। मैं पहले अपना तिजोरी खोलूंगी। देखो यहाँ स्माइली है। वाह इतने सारे पॉपिट, कितना बढ़िया। बढ़िया हाँ, केवल कहने से नहीं होगा, यह उन्हें पॉप करने और थोड़ा शांत होने का समय है। अजीब है यह इतने मुलायम क्यों है, और इसकी महक बहुत अच्छी है। बिल्कुल यह गमी है। गमी तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हाँ और यहाँ बहुत सारे हैं, मैं इन सबको एक साथ तुरंत खा सकती हूँ। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। यह बहुत स्वादिष्ट है, यह स्वादिष्ट गमी पॉपिट है। मुझे लगता है वो रुक गई, शायद हमारे लिए, ताकि हम यह खा सके। तुम चोर, ये मेरे हैं। अरे दर्द हो रहा है। अब यह देखने का समय है कि मेरा क्या इंतजार कर रहा है। लगता है ये कुछ बहुत ही मुलायम चीज है। ये जिंदा कीड़े हैं। मैं ये नहीं खा सकती, मैं नहीं करूंगी, वे रेंग रहे हैं। बस हो गया, चिंता मत करो, वे सब उड़ गए। उड़ गए? अब वो सब मेरे ऊपर है, बचाओ, वे मुझे खाना चाहते हैं। मुझे लगता है यह वैक्यूम क्लीनर मदद कर सकता है, ये सभी कीड़े को तेजी से अपने अंदर ले लेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे चेहरे पर मूंछ बनाने वाले को भी। ये बहुत मजेदार लग रहा है, पर मैं इसे हटा दूंगी। अरे तुमने होंठों का क्या किया? सब ठीक है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तो फिर तुम इन सारे कीड़ों का स्वाद क्यों नहीं चखती हो? यह लो। ये सब मेरे ऊपर है, मैं क्या करूं? छी कितना गंदा। ठीक है चिल्लाओ मत, बेहतर होगा कि तुम अपनी तिजोरी में देखो वहाँ क्या है। ये किसी तरह की औषधि है जो मेरा इंतजार कर रही है। आशा करती हूँ कि कोई मेढक या कीड़ा ना बन जाऊं। अजीब है, मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा है, ये पहले जैसा ही है। अजीब। ओह नहीं मुझे कुछ हो रहा है। दोस्तों मदद करो, मुझे लगता है औषधि ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब मैं तुम्हारे हाथ के आकार की हूँ। ठीक है मैं तुम्हें उठाती हूँ, देखो कितनी प्यारी। अरे तुम मुझे काटोगी? आह दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी छोटी लड़की। तुम एक असली सांप से लड़ने वाली हो।
तुम्हें लगता है कि मुझे डर लग रहा है? मैं इसे कुछ ही समय में संभाल लूंगी। पता नहीं कौन जीतेगा। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि कीड़ा मजबूत है। कीड़ा? मैंने उसे हरा दिया। यह लो। और यह। वाह, वो सच में जीत गई। तुम्हें क्या लगा था? वो एक मस्त लड़ाई थी। इस बार मुझे स्वादिष्ट ट्रीट मिलेगा, इसलिए मैं अपना लॉकर पहले खोलूंगी। वाह, ये मेरा फेवरेट कॉकटेल है, मुझे ये पसंद है। मैं किस बात का इंतजार कर रही हूँ? ये पीने का समय है। अजीब है, यह आ क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। तुम ये समझ क्यों नहीं पाई? सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसे कैसे पीना चाहिए। तुम? अच्छा ले लो, मैं मजाक कर रही थी। वक्का, मैं तुम्हें कॉकटेल नहीं दूंगी, यह मेरा है, मैं इसे खुद ही पी सकती हूँ। तुम बहुत लालची हो, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सीखना चाहिए। ये तुमने क्या किया? अब मैं पूरी भीग गई हूँ। मैं पूरी बोतल पी सकती थी, मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। शिकायत बहुत हो गई, अब डायना को उसकी तिजोरी खोलने दो। क्या मछली? अरे नहीं, अच्छी बात है कि हमारी नहीं है, इसे वास्तव में बदबू आ रही है। पर तुम्हें अभी भी यह खाना है, यह नियम है। मुझे पता है, मैं खाने की कोशिश करती हूँ। यह भयानक है। नहीं, यह मेरे वश की बात नहीं है, यह मैं नहीं खा सकती। तुम नहीं खाओगी? यह नियम है, तुम्हें खाना होगा, खाओ। ठीक है, मैं करती हूँ, बस इसे बहुत जल्दी से करना होगा। कितना गंदा और इतनी बदबूदार भी। अरे यह कंकाल, इसे मुझसे दूर करो और हंसना बंद करो। चलो मेरी, अपना लॉकर खोलो। हाँ, खुशी से। यह क्या है? एक्सक्यूज मी, किसी तरह का स्किटल्स। मुझे यह पसंद है, पर यह बहुत कम है। इसका स्वाद सामान्य वाले की तरह ही है। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। देखो, अब कैंडी मेरे ऊपर उग रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या मैं खा सकती हूँ? बिल्कुल। कितना अच्छा। देखो मैं कैसे कैंडी में ढकी हुई हूँ। डायना, तुम्हें चाहिए? नहीं धन्यवाद, मैं तुम्हारे पिंपल्स खाना नहीं चाहती। और फिर से एक बार मैं अपनी तिजोरी पहले खोलूंगी, मुझे लगता है किसी को ऐतराज नहीं होगा। वाह, ये एक उपहार है, आईफोन कभी ज्यादा नहीं होते। देखो ये कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी फोटो लेने दो। अरे हटो, मेरे फोटोज को बर्बाद मत करो। इसे दो, ये मेरे हैं, मैं तस्वीरें लेना चाहती हूँ। लड़कियों, लड़ना बंद करो, ये मुझे दो। हमें यह तय करना होगा कि यह किसका है, तब तक के लिए मैं इससे खेलती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये मुझे दो, ये मेरी है। ये क्या किया? वो मेरा नया फोन था। कहाँ? उप्स, लग रहा है कि वो अच्छी स्थिति में नहीं होगा। यह सब तुम्हारी गलती है। ये तुमने क्या किया? अब यह फोन नहीं बल्कि टूटा हुआ डब्बा है। जब तक तुम इसे निबट रही हो, मैं अपना लॉकर खोलती हूँ। अजीब, ये खाली क्यों है? चलो देखते हैं यह क्या है। ओ नहीं, मेढक नहीं, मुझे डर लग रहा है। बचाओ, इसे मेरे सिर पर से हटाओ। मुझे भी इस जानवर की जरूरत नहीं है, चलो हटो यहाँ से। मेरे ऊपर क्यों? ये तुम्हारा मेंढक है और मुझे अभी भी इसे खाना है? बिल्कुल नहीं। अगर ये श्रापित राजकुमार होगा तो तब मैं एक असली राजकुमारी बन जाऊंगी, पता लगाना होगा। Okay. तो राजकुमार, हंसो मत, मैंने पता लगाने की कोशिश की थी। खैर, कुछ और पता करो और मैं देखूंगी कि मेरी तिजोरी में क्या है। ओ, एक अजीब सी टोपी है,
मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मेढक, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेढक पत्थर में बदल गया है। पत्थर? अजीब है, लेकिन ये भूरा क्यों है? वाह, समझ गई, ये चॉकलेट है। और केवल चॉकलेट ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट चॉकलेट है। सुनो, शायद तुम्हारी टोपी मेरे आईफोन के लिए कुछ कर सकती है। चलो पता करते हैं। ये काम कर गया, कितना बढ़िया, अब मेरे पास एक चॉकलेट आईफोन है, सच में स्वादिष्ट। मतलब ये टोपी सबके लिए अच्छी है। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? मुझे लगता है ये ठीक है। ओह, अब हमारे पास चॉकलेट मैरी है। चलो उसकी सारी उंगलियां खाते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके। चलो उसकी टोपी उतारो, फिर वो वापस अपने रूप में आ जाएगी, जैसे कि वो हमेशा से थी। हाँ, चलो करो। धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे लगा मैं हमेशा के लिए चॉकलेट बन गई। इस बार कुछ अच्छा मेरा इंतजार कर रहा है, आशा है कुछ स्वादिष्ट होगा। ओ, न्यूटेला, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं पूरा जार खा लेना चाहती हूँ। माफ करना, ढक्कन अपने आप तुम्हारे तरफ चला गया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और के सिर पर मार दो। ओ, चलो गुस्सा मत करो, मैं न्यूटेला के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे यकीन है कि ये न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं सही थी, यह कमाल का है। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। तुम्हें चाहिए पर तुम्हें मिलेगा नहीं, यह मेरा न्यूटेला है। अभी भी कुछ बूंद बाकी है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी नाक पर भी थोड़ी सी है और मेरे हाथ पर भी। हाँ, हम देख सकते हैं, यह तुम्हारे सब तरफ लगा हुआ है। अब मुझे और गहराई में जाना है। अरे नहीं, मेरा हाथ अटक गया है। What? मोटी, तुम्हें कम खाना चाहिए। हंसो मत, मेरी मदद करो। चलो इस जार को खींचो। मैं कोशिश कर रही हूँ, चलो हम कर सकते हैं। चलो खींचो, खींचो। ओ वाह, अब मेरे पास बहुत सारा न्यूटेला है। चलो जल्दी से खाते हैं। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं जिंदा हूँ। What? क्या तुमने सब खा लिया? तुम्हें ये कैसा लगा? ओह, और चॉकलेट, मैं इसे सीधे अपने हाथों से खा सकती हूँ। जब तक तुम खा रही हो, मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या है। कुछ बदबूदार? ओह नहीं, चीज नहीं, प्लीज। दुर्भाग्य से तुम्हें यही मिला है। मुझे ये नहीं खाना, मुझ पर दया करो, ये बहुत खराब है। बातें कम, काम ज्यादा, चलो खाओ। ओह, कितना खराब। हाँ, ये बहुत खराब दिख रहा है। ये ऐसा ही है, मैं नहीं खा सकती, ये बेकार है। हालांकि ये हो गया। ओके। वाह, हाँ बढ़िया है, अब हम देखते हैं कि मेरा इंतजार क्या कर रहा है। लग रहा है कि अब यह हमारे जाने